देखेंगे अब हम रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन यानी कि पीएन जंक्शन की उत्क्रम बायसिंग के बारे में। तो दोस्तों हम थोड़ा सा इसे डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं, फिर आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारे पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, पी टाइप को हम निगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी कि करंट का फ्लो हम विपरीत दिशा में कराते हैं। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो देखिए इसे हम एक और ग्राफ बनाते हैं यहां पे, जिससे समझने में बहुत ही आसानी होगी आप लोगों को। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फॉरवर्ड बायस किसे कहते हैं, रिवर्स बायस किसे कहते हैं, क्यों होता है ये। एग्जाम पर्पस अगर आप जानते रहेंगे तो पेपर में आप लिख सकते हैं, नहीं जानते रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे पेपर में। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजें जान लेना। थोड़ा डायग्राम आप देखिए ध्यान से। इससे समझने में आसानी होगी आप लोगों को। देखिए इसको ऐसे बना दीजिए। ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए पीएन संधि यानी कि रिवर्स बायसिंग या पीएन जंक्शन होता क्या है। तो यदि डायोड के पी क्षेत्र की बैटरी को यानी कि पी क्षेत्र का जो बैटरी है, इससे हम क्या करते हैं, ऋणात्मक सिरे से यानी कि निगेटिव टर्मिनल से तथा एन क्षेत्र के बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से यानी कि एन क्षेत्र की जो बैटरी है इसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो यह जो हमारा बायसिंग हो जाती है वो रिवर्स बायसिंग हो जाती है। ठीक है, देखिए जब भी आप लोगों को न समझ में आया करिए तो प्लीज हमसे पूछा करिए। ठीक है, जब आप पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए तो इससे पता चलेगा आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, तो फिर मैं आपको और भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में होता क्या है। तो रिवर्स बायसिंग में आरोपित जो वोल्टेज होते हैं यानी कि अप्लाइड वोल्टेज बैरियर का सहयोग करते हैं। किसका सहयोग करते हैं, कौन सा होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होते हैं, अप्लाइड वोल्टेज ये क्या करते हैं, बैरियर का यानी कि अवरोधक का, बैरियर का सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं, वो बैरियर के समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन में होती है। वह बैरियर के समान यानी कि सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फिर देखिए सेकंड हमारा क्या है कि उत्क्रम बायस में यानी कि रिवर्स बायस में बायस वोल्टेज पी क्षेत्र के मेजॉरिटी वाहक को यानी कि पी क्षेत्र का जो मेजॉरिटी वाहक को यानी कि होल्स को तथा एन क्षेत्र के मेजॉरिटी वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को विपरीत दिशा में आकर्षित करता है। यानी कि विपरीत दिशा में क्या करेगा, अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है विपरीत दिशा में, यानी कि इसको
ढकेलता नहीं है, अपने तरफ खींचता है। ठीक है, फिर देखिए, इसे जंक्शन के आसपास के क्षेत्र में मुक्त आयसों में विहीन, यानी कि दाता व स्वीकार आयन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, मुक्त आवेश यानी कि दाता व स्वीकार आयन की यानी कि डोनर तथा एक्सेप्टर जो आयन होते हैं उनकी क्या होती है, संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। इससे डिप्लेशन रीजन यानी कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बन जाता है। ये देखिए, इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगा, डिप्लेशन लेयर यानी कि अवक्षय परत, और इससे हमारी डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, वो बैरियर भी बढ़ जाता है, जो अवरोधक होता है यानी कि बैरियर, ये क्या होता है, ये भी बढ़ जाता है। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी और उसकी बैरियर भी बढ़ जाती है और उसकी विड्थ भी बढ़ जाती है। ठीक है, अतः मेजॉरिटी वाहकों का जंक्शन पार करना संभव नहीं हो पाता है, यानी कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंक्शंस को पार नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जब ये रिपेल यानी कि रिवर्स बायस में काम करती है तब। ठीक है, फिर देखिए, यदि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी वाहक यानी पी क्षेत्र के होल्स, जो पी क्षेत्र के होल्स हैं वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शंस को पार नहीं कर पाते हैं तो धारा जो होती है वो शून्य होती है। शून्य होती क्या होनी चाहिए, होती है किंतु शून्य होनी चाहिए, लेकिन किंतु रिवर्स बायस में होती है। ठीक है, शून्य होनी चाहिए किंतु रिवर्स बायस होती है। यह धारा कैसे प्रवाहित होती है इसको हम थोड़ा जानते हैं। तो जैसा देखिए, बैरियर की मेजॉरिटी वाहक को तो जंक्शंस पार करने से रोकता है, जो बैरियर की मेजॉरिटी वाहक है वो क्या करता है, जंक्शंस को पार करने के लिए तो रोकता है, किंतु माइनॉरिटी वाहक को यानी कि पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स तथा एन क्षेत्र के होल्स को जंक्शंस को पार करने में सहयोग करता है। यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी करंट होते हैं, उनको क्या करते हैं, जंक्शंस को पार करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ होते हैं जो जंक्शंस को पार करने में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, अतः माइनॉरिटी वाहकों के कारण ही रिवर्स कैरियर की संख्या बहुत कम होती है। माइनॉरिटी वाहकों के कारण ही रिवर्स बायस डायोड में जंक्शंस की पार करने रिवर्स बायस डायोड में धारा प्रवाहित होती है। माइनॉरिटी वाहकों के कारण रिवर्स बायस में डायोड में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी कि करंट की फ्लो होती है। चूंकि अल्पसंख्यकों वाहक यानी कि माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या बहुत कम होती है, जो इसमें धारा प्रवाह होती है ये क्या होती है, बहुत कम होती है, अतः रिवर्स बायस का धारा का जो मान होता है सिलिकॉन डायोड में हम देखते हैं के लिए नैनो एम्पियर यानी कि 10^-9 एम्पियर तथा जर्मेनियम डायोड के लिए, ये सिलिकॉन के लिए होता है और हमारा जर्मेनियम के लिए होता है 10^-6 एम्पियर में होता है। इस धारा को हम उत्क्रम यानी कि रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहा जाता है। इसी धारा को हम, जो बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित होती है, इसी धारा को हम क्या कहते हैं, रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट। ठीक है, अब देखिए, माइनॉरिटी कैरियर्स
ताप के कारण उत्पन्न होते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी करंट यानी कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं यानी कि जो थोड़ी सी करंट को ले जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? टेम्परेचर के कारण। ताप स्थिर रहने पर जो रिवर्स सेचुरेशन धारा होती है, ताप अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो रिवर्स सेचुरेशन करंट भी हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे। बायस वोल्टेज बढ़ाने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या करते हैं? अगर हम बायस वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु यदि ताप को बढ़ाया जाए यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो यह धारा तेजी से बढ़ती है। तो क्या होती है? जो करंट होता है यानी कि जो धारा होती है वो हमारी क्या होती है? तेजी से इंक्रीज करती है। कब? टेम्परेचर को बढ़ाने पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो धारा प्रवाह भी हमारी कांस्टेंट होगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो करंट जो होगी वो काफी तेजी से प्रभावित होती है। तो सिलिकॉन व जर्मेनियम के लिए सेवन प्रतिशत प्रति डिग्री सेल्सियस होती है और प्रत्येक डायोड के लिए कितनी होती है? टेम्परेचर जो होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है। क्या होती है? 10 डिग्री अगर सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो करंट फ्लो हमारी क्या होगी? डबल हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई रिवर्स बायस के बारे में हम जान लिए। ठीक,